अब बात कर रहे हैं भुरकुरदा की, जहां पांच सिपाही दौड़ में एक और मौत हो गई है। साहिबगंज में दौड़ के दौरान बीमार हुआ था भुरकुरदा का युवक। इलाज के दौरान कोलकाता के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया है और ये मौत का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और एक और मौत सामने आ रही है एक अभ्यर्थी की। उत्पात सिपाही दौड़ में एक और मौत का मामला सामने आ रहा है। साहिबगंज में दौड़ के दौरान बीमार हुआ था भुरकुंडा का एक युवक। इलाज के दौरान कोलकाता के अस्पताल में उसने दम तोड़ा है। आपको बता दें कि कोलकाता रेफर कर दिया गया था बेहतर इलाज के लिए और कोलकाता के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। उत्पाद सिपाही दौड़ में एक और मौत सामने आई है। आपको बता दें कि अब तक 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं इस दौड़ में शामिल युवकों की और अब भी देखिए यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार मौतें हो रही है। आपको बता दें कि कोलकाता के अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया, उसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता रेफर किया गया था। और इस पर अधिक जानकारी के लिए भुरकुंडा से सागर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सागर देखिए, एक और मौत का मामला सामने आया है उत्पात सिपाही दौड़ में और ये लगातार जो है मौतें होते जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ फिलहाल और बातें आ रही है सामने उस युवक को लेकर? मैम, ये मामला रामगढ़ के भुरकुंडा बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे 12 तारीख में उत्पात सिपाही का बहाली हो रहा था मैम साहिबगंज में जी। इसमें दौड़ के दरमियान लड़का बेहोश को गिर पड़ा, जिसमें सदर अस्पताल ले गया जिसे गंभीर अवस्था में देखते हुए इसके कलकत्ता के मालदा अस्पताल ले गया जहाँ इलाज के चल रहा था। करीब 10 दिन से इलाज चलते कल अचानक उनकी डेथ हो गई। परिजनों का क्या कुछ कहना है ऐसे लेकर? परिजन मैम बहुत गरीब फैमिली से, उनका कहना है कि हमारा बच्चा गया था दौड़ में, अचानक उनकी तबियत खराब हुआ दौड़ में, फिर अचानक वो मालदा अस्पताल में उनका डेथ हो गया। आज कल रात में उनका बॉडी आया, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उनको। और उन्होंने सरकार से गुहार लगाया कि हम लोग गरीब परिवार, हम लोग सरकार तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा बच्चा था एक ही, अब हमारे आगे पीछे कौन देखेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। तो भुरकुंडा से ये खबर आ रही है जहां एक युवक की मौत हो गई है। उत्पात सिपाही दौड़ में वो शामिल हुआ था जो कि साहिबगंज में दौड़ हुई थी और उसके बाद जब ये बीमार हुआ उसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर कोलकाता रेफर कर दिया गया था इलाज, बेहतर इलाज के लिए। और इलाज के दौरान कल इस युवक ने दम तोड़ दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।